नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। प्रदेश सहित पूरे देश में लगातार बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए जहां मध्य प्रदेश सरकार आने वाली स्थिति को लेकर जमीनी तैयारी कर रही है, वहीं जबलपुर जिला प्रशासन भी लगातार मैराथन बैठक कर शहर की स्थिति पर नजरें बनाए हुए हैं। जबलपुर जिला स्वास्थ्य अधिकारी और जिला प्रशासन के साथ आज एक हुई बड़ी बैठक में कोरोना से निपटने के लिए किए गए उपाय और लोगों को जागरूक करने पर चर्चा हुई। बैठक में कलेक्टर सहित तमाम स्वास्थ्य अधिकारी शामिल हुए। जबलपुर में प्रशासन ने 1800 बिस्तरों की व्यवस्था कर ली है। बीते महीनों में महज 300 से 400 बिस्तर कोरोना के लिए हुआ करते थे। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के लिए भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आज ऑक्सीजन के लिए भी जिला प्रशासन की मदद से स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल अस्पताल स्थित ऑक्सीजन का प्लांट भी लगाया है। शासकीय प्रतिष्ठान है, उनमें हम लोग ये सतर्कता रखेंगे तो निसंदेह हम लोग कंट्रोल्ड वे में चीज़ें चलेगी, अदरवाइज दूसरे शहरों जैसी स्थिति बन सकती है। यद्यपि हमारी तैयारी पूर्ण है, लगभग ऑक्सीजन बेड की हम बात करें और आईसीयू बेड को और एसजीयू बेड मिलाकर हम बात करें तो लगभग 1800-1900 बेड हमारे पास में आज की तारीख में अवेलेबल है, जो तीन महीने पहले लगभग 400-500 बेड हुआ करते थे, आज हम 1800-1900 बेड के आसपास स्थिति में हैं।